देखो वीर को करते हुए पैर हो गए, जंप वाला गेम खेल रहे हैं। थोड़ा सा पल्ला कर लेती हूँ। राधे राधे जी, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राधिका वीर मोमेंट बालियान फैमिली। तो जी, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को और मेरी YouTube फैमिली को नववर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे, जो जो आपने अपनी मन में सोच रखा है अपने भविष्य के लिए, सब सभी मतलब आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों और नया वर्ष आपके जीवन में ढेरों सारी खुशियां लेके आए। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो जी, आप सबको सबसे पहले नए वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए ढेरों सारी खुशियां लेके आए। ये नया साल क्या, आप पूरी जिंदगी भर खुशियों से खुशियों के साथ रहें, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हर दिन को खूब इंजॉय करते रहें। तो आज हम नए साल पे बना रहे हैं बच्चों की जिद थी कि मम्मी पकौड़ी बनाओ, पकौड़े ब्रेड पकौड़े। तो मैंने आज बना रहे हम ब्रेड के पकौड़े, वो भी मतलब बिना आलू भरे, ऐसे ही ब्रेड को तल के बेसन में डुबो के इस तरह से बना रहे हैं। तो मैंने उसके लिए मैंने ये ब्रेड छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं इस तरह से, और थोड़े से आलू की पकौड़ी बनाऊंगी। आलू को कट करके गोल गोल शेप में पतले पतले काट के आलू को इस तरह से पकौड़ी बनाऊंगी। तो दो तरह की पकौड़ी बना रही हूँ मैं आज नए साल पे। मतलब नया साल भी क्या, हमारे लिए तो कुछ भी नया साल नहीं है। ऐसे 31 दिसंबर होता है, ऐसे 1 जनवरी होती है, हमारे लिए सब दिन एक जैसे होते हैं। हमारे लिए तो वही डेली का काम, झाड़ू पोछा, कपड़े, बच्चों को नहलाना, खाना पीना, चूल्हा चौका, सब दिन एक जैसे होते हैं। हमारे लिए तो कोई नया साल नहीं होता हमारे लिए, और मतलब मिडिल क्लास वालों के लिए सब दिन एक जैसे ही होते हैं। फिर भी बच्चों की खुशी के लिए बना रही हूँ मैं पकौड़ी, ताकि बच्चों को लग सके ना हाँ मम्मी ने नया साल सेलिब्रेट किया। नहीं तो आ गया वीर भी सॉस लेके, अपने लिए पकौड़ी के साथ सॉस खाना था उसे, तो वो दुकान में से सॉस लेके आया क्योंकि सॉस खत्म हो चुका था। तो इसीलिए तो फिर तैयारी तो बनाते हैं, बस पकौड़ी लगते हैं तैयारी में। बेसन छान रही हूँ मैं। बेसन छान के घोलने से ना एक गांठे नहीं पड़ती बेसन में, तो आसानी से घुल जाता है बेसन। तो ब्रेड पकौड़ी के साथ कुछ आलू की पकौड़ी बना रही हूँ मैं, तो इसलिए कट कर रही हूँ आलू, इसके बाद बनाते हैं पकौड़ी। ये बेसन का घोल तैयार कर लिया है और ये आलू और ये ब्रेड कट करके तैयार रख लिए हैं पकौड़ी बनाने के लिए। और अब एक एक डुबो के डालूंगी कढ़ाई में। मुझे ना ये इस तरह के ब्रेड पकोड़े बहुत ही पसंद है, मुझे सबसे अच्छे लगते हैं ये वाली पकोड़े, ब्रेड पकोड़े। और मैंने तो अपनी और मम्मी के लिए तो चाय बना ली थी, क्योंकि मुझे पकोड़े के साथ चाय बहुत पसंद है। मैं सॉस वगैरह चटनी वगैरह कम ही लेती हूँ पकोड़ों के साथ, मुझे चाय ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय बना ली थी। सबसे पहले मैंने अपने मोहन को लगाया भोग। मोहन को मैंने चाय के साथ ही दिया, क्योंकि सॉस जो है उसमें प्याज वगैरह पड़ी रहती है ना, सॉस में लहसुन प्याज डली रहती है, तो इसलिए मैंने मोहन को तो चाय के साथ ही दिया। ये आलू की बना रही हूँ साथ के साथ ही, कुछ आलू की तल रही हूँ साथ साथ और कुछ ब्रेड के। तो थाली लगा दी है, इसमें सॉस है, हरी चटनी, धनिया की, इसमें दही, दही मैंने बच्चों के लिए रखी, बच्चे कह रहे थे कि हमें दही भी चाहिए वरना पकौड़ियों के साथ तो दही की ज़रूरत नहीं थी। और ये इधर आलू के पकौड़े, तो बच्चे खाने लगे हैं और मम्मी भी। तो बच्चों का हो गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन। ये मुझे ना कई दिन से कह रहे थे मम्मी पकौड़े बनाना, तो फिर मैंने कहा कि अभी तो गाजर का हलवा बनाया है, उसको ही खा लो, क्योंकि अभी गाजर का हलवा भी रखा है, इसलिए मीठे में मैंने कुछ बनाया नहीं। तो फिर आज इसीलिए ब्रेड पकोड़े बच्चे कह भी रहे थे कई दिन से, तो फिर मैंने सोचा चलो आज ही बना लेते हैं नए साल पे, बच्चों को लगेगा कि आज चलो मम्मी ने सेलिब्रेट कर दिया। और मैं भी लग गई हूँ खाने, तो आइए दोस्तों आप भी खाइए हमारे साथ, इंजॉय कीजिए। बर्तन साफ, देखिए कितने बर्तन हो गए हैं सिंक में, और अभी रसोई भी समेटनी है, कितनी बिखर गई है काम करने लगो ना, सब सही लट लट हो जाती है, थल पुथल।
और बच्चे भी अब पढ़ाई करेंगे क्योंकि आज सुबह से मस्ती कर रहे हैं ये। अब इन्हें कहूँगी पढ़ लो थोड़ी बहुत देर, पढ़ लेंगे और मैं भी अपने बर्तन साफ करके फिर तो थोड़ी देर लेकर बैठूंगी राधिका नाम की। राधिका वीर चलो बेटे, अब तुम्हें सुबह से बहुत मस्ती कर रहे हैं ना, चलो पढ़ो। देखो वीर को करते हुए बैग होंगे, जंप वाला गेम खेल रहे हैं। बेटे छुट्टी तो पड़ रही है लेकिन थोड़ा पढ़ना भी तो चाहिए हैं। चलो इतना मैं बर्तन इतना खेल लो तुम, इतना मैं बर्तन साफ करती हूँ फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी ठीक है। न्यू ईयर में पढ़ते ऐसे कहते हैं, न्यू ईयर में पढ़ोगे पूरे साल पढ़ोगे ठीक है। अब राधिका के मैं कर रही हूँ कोम्ब, क्योंकि सुबह से मतलब मैं ना कपड़े धोए थे तो बस बिजी थी, फिर कपड़े धोते ही मैं खाने में लग गई पकौड़ी बनाने में, तो बस इसके कोम्ब नहीं हो पाया। तो बस अब तेल डाल के अच्छे से इसके बालों में, इसके बाल में कोम्ब कर दिया। और राधिका वीर क्या कर रहे हैं, अभी राधिका का कोम किया मैंने, वीर क्या कर रहा है जब अंदर बैठा हुआ, ये पता नहीं क्या कटिंग करता रहता है। और मैंने अपने मोहन को भी सुला रखा है, देखिए ये सो रहे मेरे मोहन। और टाइम हो गया है 3:30, देखिए 3:30 बज रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ चाय और हलवा गरम कर रही हूँ क्योंकि बुआ जी आई हुई है, मेरी जो बुआ सास है, सब छोटे वाली बुआ सास भी आई हुई है, उन्हें काम था कुछ गांव में तो फिर इस वजह से आई थी वे, तो अभी आई है हमारी तरफ से, मतलब 4 बजे आई थी वे। और बुआ जी की दो भाभी और हैं तो उनकी साइड थी पहले बुआ जी, 1 बजे आई थी बुआ जी, आई भी थी लेट थी, फिर थोड़ी देर के लिए हमारी साइड भी आई थी। तो फिर बस मैं चाय बना के ले जा रही हूँ बुआ जी के लिए, मम्मी के लिए और बुआ जी का जो बेटा आया हुआ है उसके लिए और अपने लिए बनाई मैंने चाय, और साथ में हलवा दे रही हूँ गर्म करके। अब मैं आ गई ऊपर छत पे, यहाँ पे हमारा स्टोर रूम बना हुआ है 3rd मंजिल पे, तो मैंने यहाँ छत पे कपड़े सुखाए हुए थे तो कपड़े लेने के लिए आई हूँ मैं। नीचे जगह फुल हो गई थी तो कुछ कपड़े मैंने ऊपर डाल दिए थे। तो मैं अपने आपको गांव दिखाती हूँ, गांव का व्यू, ये गांव हमारा, ये हमारे घर से पीछे का व्यू है इधर, सुखा रखे हैं मैंने कपड़े लेके जाऊंगी अब इनको, कुछ यहाँ पे डाले हुए हैं इसके नीचे छज्जे के नीचे। मैं थोड़ा पीछे से बना रही हूँ, आगे खड़ी नहीं हूँ छत पे क्योंकि दिखाई देता है दूर तक, काफी सामने आदमी बैठे हुए हैं, तो कुछ ऐसा है हमारा गांव। आज ना तो धूप निकली और ना ही हवा, अगर थोड़ी बहुत भी हवा चलती रहती ना तो वूलन के कपड़े जो होते हैं वो तो ऐसे ही सूख जाते हैं, हवा में सूखे नहीं वूलन के कपड़े, मैंने सोचा सूख गए होंगे, सूखे नहीं कोई भी, और कपड़े वूलन के भी नहीं सूखे और भी सब कपड़े गीले पड़े हैं,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गीले कपड़ों को डाले कहाँ, सुखाने की प्रॉब्लम है, रात को डाले कहाँ, दिन में तो डाल भी देते हैं बाहर। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि कहाँ डाले इनको अंदर, चार पाई पे भी तेरे कपड़े नहीं आएंगे, बस ऐसे डालना पड़ेगा ऊपर नीचे करके सभी कपड़ों को, फिर सुबह डाल दूँगी बाहर। कल तो क्या पता धूप निकली जाए, आसमान में बादल भी हो। तो चलती हूँ नीचे कपड़े लेके, और थोड़ा सा ना पल्ला करके जाना होता है क्योंकि सामने आदमी बैठे हैं, दूर तक का भी दिखाई दे रहा है, और फिर उस गांव में करते हैं पल्ला। तो चलती हूँ नीचे, थोड़ा सा पल्ला कर लेती हूँ। गांव में घूंघट जो है ये तो एक रीति रिवाज है जो पहले से चला आ रहा है, लेकिन इन्हें फॉलो तो करना ही पड़ता है। लेकिन इतना बदलाव तो ज़रूर आ गया है आज के टाइम में घूंघट में कि घर के अंदर नहीं करते हम किसी से भी घूंघट। हर घर की बात है, घर के अंदर कोई नहीं करता अपने मतलब ससुर से या जेठ से। इन चीज़ों से मैं तो चेंजेस आया है कि हाँ घूंघट घर के अंदर नहीं करते। लेकिन अगर गाँव में कहीं जा रहे हैं, गाँव का कोई बाहर का आदमी मिल गया तो उनसे तो करना ही पड़ता है घूंघट। लेकिन चलो इतना तो बदलाव है कि घर के अंदर नहीं करना होता, वरना पहले तो घूंघट भी करना होता था और काम भी करना होता था। और अब करते हैं किचन की तरफ को रुख, रसोई की तरफ को मुड़ते हैं, देखते हैं क्या बनाए आज। तो पता नहीं, रसोई की लाइट नहीं जल रही है क्योंकि रसोई में जो इन्वर्टर का कनेक्शन है ना उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिस वजह से रसोई में लाइट नहीं जा रही आज। तो लाइट ही नहीं जलेगी, देखिए कितना देर हो रहा है रसोई में, और कैसे काम होगा इस अंधेरे में, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि वहाँ से अभी हमारे मतलब उधर से आती है ना रसोई का, रसोई में किचन में लाइट, तो वहाँ से बीच में से जो डोरी थी, तार था लाइट का, वो टूट गया, जिसकी वजह से किचन में लाइट नहीं आ रही। तो जी अब रात के खाने की तैयारी में लग रही हूँ, और हस्बैंड जी जल्दी आ गए थे तो उन्होंने लाइट आके ठीक कर दी, रसोई में भी लाइट जल गई। और यहाँ पर मैंने अंगीठी पर कर रही हूँ दूध गर्म, तो खाना बनाती बनाती दूध भी देखने आ गई थी, तो बस दूध उफरने वाला था कि मैंने देख लिया, वरना उफर नहीं जाता दूध। तो लग गई हूँ मैं अब रोटी बनाने के लिए। तो आज बच्चों के पापा भी जल्दी आ गए थे तो उन्होंने लाइट सही करी किचन की, और आज मेरा खाने पीने का भी काम जल्दी हो गया था। तो फिर जी अब आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आप सबको नवर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं, भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे, आप जिंदगी भर यूँ हंसते रहे, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपने जीवन को इस तरह से इंजॉय करके जीते रहें। तो फिर जी मिलते हैं अगले ब्लॉग में।